हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ों की कड़ी और चावल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और आपके अपने चैनल इंडियन फूड खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए पालक जो है हमारा वो छोटे पीस में कट कर लिया है। प्याज भी हमने थोड़े लॉन्ग साइज में कट करे हैं, थोड़े लंबे लंबे से। और उसके बाद हरी मिर्ची भी कट करी है, उसके बाद हरा धनिया कट करा है। उसके बाद हम मसाले लेंगे। मसाले में हमारा आ गया जीरा, उसके बाद गरम मसाला, अजवाइन, हींग, अमचूर पाउडर, नमक, हल्दी, इसमें आ गया अदरक पाउडर और हमारी आ गई काली मिर्च पाउडर। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना इसे स्टार्ट करते हैं हम। अब एक साइड में हम कढ़ाई रखेंगे तेल गरम होने के लिए। पकौड़े बनाने हैं हमने, तो ये हमने तेल डाल दिया है इसमें। चलिए, उसके बाद हमने एक प्लेट में बेसन लिया है। अब बेसन को हम अच्छे से हमने छान लिया है। अब एक बड़े से पतीले में हम इसको डाल देंगे। तो हमने बेसन को डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही यमी और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो देखिए, अब हमने मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और हमारा जो पालक है वो भी हमने ऐड कर दिया है इसमें, देख सकते हैं आप। और उसके बाद हमने इसमें प्याज भी ऐड कर लिया है। और उसके बाद हमने हरी मिर्ची जो ली है हमने वो भी हम ऐड करेंगे। और हमने लिया है हरा धनिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आपको पता ही है और बहुत ही अच्छे लगते हैं पकौड़ों में। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि हमारे जो पकौड़े हैं एकदम बढ़िया तरीके से बने। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इधर हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है और अब हमने पकौड़े जो है वो ऐड कर दिए हैं। देखिए कितने अच्छे और बहुत ही अच्छे पकौड़े बनाए हैं। ये देखिए, हमारे जो पकौड़े हैं बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ही यमी पकौड़े हैं। अब हम एक साइड में पतीला रखेंगे, उसमें हमने पानी ऐड करना है। तो देखिए आप, अब हमने ढक्कन दे दिया है, इसको उबलने के लिए रख देना है। दूसरी साइड हमने हमारा जो पानी है वो उबल के एकदम हो गया है। अब हमने चावल लिए हैं, चावल को अच्छे से वॉश करें। उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने जो है इसमें थोड़ी सी मेथी ऐड करी है और थोड़ा सा हमने इसमें रिफाइंड ऑयल जो है हमने थोड़ा सा डाला है। तो ऐसे ही चावल बनाने चाहिए, सभी के लिए अच्छे होते हैं ये, ज़्यादातर तो शुगर के जो हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके वाले चावल हैं, ऐसे ही चावल बनाने खाने चाहिए। तो एक साइड हमने कढ़ाई ले ली है, तेल डाल दिया है, उसमें मेथी थोड़ी सी डाली है, कड़ी पत्ता डाला है, धनिया डाला हुआ है, जीरा डाला है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है हमारा लहसुन और अदरक। उसके बाद हमने प्याज ऐड कर दिया है, हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छे से हम अपने तड़के को इसको अच्छे से गोल्डन कलर का होने देंगे। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, अब हमने हल्दी इसमें डाल दी है।
और एक साइड हमने एक बाउल में बेसन घोल लिया है, तो बेसन हमने इसमें तड़के में लगा दिया है। अब अच्छे से इसको उबलने देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और उबलने देंगे। तब तक हमने हल्के हल्के हाथों से इसे चलाना है और एक साइड हमारा जो चावल है वो देखना है कि हो गए हैं कि नहीं। तो हमारे चावल हैं वो बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसका पानी जो है हमने निकाल देना है। तो अच्छे से इसके हमने पानी इसका निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करें, बहुत ही अच्छे खिले खिले से चावल बने हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए दूसरी साइड हमारी जो कढ़ी है वो भी, जो बेसन डाला था हमने, वो बन मतलब अच्छा उबल के रेडी हो गया है। और इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। उसके बाद हमने लस्सी ऐड कर दी है, तो इसको अब अच्छे से हमने उबलने देना है। तो जो हमारे पकौड़े हैं देखिए कितने अच्छे बने हैं। हमारी जो कढ़ी है वो उबल के एकदम तैयार हो चुकी है और हमने जो पकौड़े हैं वो उसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके बाद हमने गरम मसाला ऐड किया है, देखिए। और जो हमने हरा धनिया जो है हमारा कट करा था हमने, वो इसमें ऐड कर दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी इसमें धनिए की, बहुत ही फ्रेश धनिया है। और देखिए अब हमारे जो चावल हैं बनके तैयार हो चुके हैं। तो इसी दोस्तों, इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम आपके लिए नई नई रेसिपीज लेके आते रहेंगे। तो देखिए आप, कढ़ी भी हमारी एकदम बढ़िया तरीके से बनी है। मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ये देखिए, सैलेड भी हमने एकदम तैयार करके रखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको बनाया है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।